हमारे शरीर को जीवन जितना आवश्यक है, नींद उतनी ही आवश्यक है। निद्रा, झोप बहुत आवश्यक है, झोप। और अगर झोप अच्छी नहीं है तो कम से कम शरीर में 50 रोग होते हैं अगर झोप अच्छी नहीं है। जिनको भी अच्छी झोप नहीं है उनको सबसे पहला रोग शुरू होता है डोके दुखना, आंख दुखना, मांडी दुखना, कंधे दुखना। और जास्ती दिन झोप अच्छी नहीं आएगी तो और भी खतरनाक रोग होते हैं। और उनमें से एक तो रोग इतना खतरनाक होता है, मिर्गी के दौरे पड़ना, अपस्मार होना, एपिलेप्सी होना, ये सब रोग झोप अच्छी नहीं होने के हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि जीवन इतना अच्छा, झोप उतनी अच्छी, झोप भी अच्छी होनी चाहिए। आप बोलेंगे अच्छी झोप कितनी होनी चाहिए? उसका नियम ये है कि आप अगर खेत में काम करते हैं, काश्तकार है, खेत करी है, तो कम से कम आपकी झोप 7 से 8 तास होनी चाहिए। कम से कम 7 तास, जास्ती से जास्ती 8 तास, इतनी झोप आपकी होनी चाहिए। अगर खेत में काम करते हैं, काश्तकार हैं, शरीर का काम करते हैं, कोई लोग अगर मजदूरी करते हैं तो उनको भी 7 से 8 तास की झोप होनी ही चाहिए। शरीर का जितना ज्यादा मेहनत है उतनी ज्यादा झोप होनी चाहिए। और अगर खाली मानसिक काम करते हैं, दिमाग का काम करते हैं, पेन चलाते हैं, कागज पर लिखते हैं, जैसे बैंक में आप काम करते हैं, बैंक में शरीर का तो कुछ काम नहीं है, कुर्सी पर बैठे, मेज पर रजिस्टर, उसमें लिखना, तो ऐसे लोग जो शरीर का काम नहीं करते, जैसे टीचर है, क्लास में खड़े खड़े पढ़ाना है, या बैंक में काम कर रहे हैं, या तो किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां मेज कुर्सी पर भी बैठना पड़ता और कुछ नहीं, तो ऐसे लोगों की कम से कम झोप 6 तास होनी चाहिए, जास्ती से जास्ती 7 तास होनी चाहिए। माने किसी भी स्थिति में 6 तास की झोप तो होनी ही चाहिए और जास्ती से जास्ती 8 तास की होनी चाहिए। ये किसके लिए है? बड़े लोगों के लिए। बड़े लोगों से मतलब जिनकी उम्र 60-70 साल से लेकर 25-30 साल के बीच में, उनके लिए।